एक ही गल कहना चाहना कि पिछले तीन महीनों तो साडे इलाका असी डैमगंज मेहरपुरा हरीपुरा टपई रोड दे विच पूरी तौर पर इलाके गंद पै चुकया वा, थां थां ते पानी भरिया है, लोग घरों निकलन तो भी मुश्किल होई पई है। तो अही कारपोरेशन नूं जिहड़े नुमाइंदे चुने MLA तक सारे तक लोगों ने पहुँच की है, पर साडी किसे तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने महीना महीना हो गया अपने कारोबार बंद किए, जिन्हें खाण पीन कारण ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नलायकी है, सरकार को पता ही नहीं मतलब ये काम कि करने लोगों को साफ पानी पीने वास्ते भाई यो नहीं काम कर पा रहे हो रही इन्हों तो की आस रखा। अही पिछले तीन महीने तो तंग हो गए कारपोरेशन MLA जिन्हें भी इस इलाके जे अपने आप आम पार्टी के कहते हैं बंदे सारे तक पहुँच की है, किसी ने भी सवाए फोटो खिंचन तो अही अगे सपोर्ट दे रहे हैं, काम हो रहा कख भी नहीं होया, हार के अच्छ सारे इलाका निवासी ने आप घरों बहर निकल गया, सड़क जाम की है, जेकर सुनवाई नहीं होती हटी कहीं सारा ही इलाका जरा रल मिल के आप पूरे कारपोरेशन घेरा कारपोरेशन की इट ना इट बजा देंगे। जी मैं तो तीन महीने तक इतने गंदगी रेहड़ी ला रहा वहाँ, रेहड़ी मेरी गंदगी कोई कुलचे खान नहीं आ रहा, तो तीन हफ्ते तो मेरी रेहड़ी बंद रही है, तीन हफ्ते तो मेरी रेहड़ी बंद रही, मैं बाईया दिन तक बहार रहा है। यह मेरे बाजार का ना है राम बाजार, क्या राम बाजार में वेलो की किया गंदगी पाई है ना, राम बाजार के गंदगी इन के पाई है, आँदे आ देख के चल जाते हैं तीन महीने लगातार तीन महीने पहला जून नंबर दो गए हाँ, अज तो हफ्ता पहला उत्थे भी नारेबाजी लाए हाँ, उत्थे भी बिल के आए हैं, उन्होंने सानू साफ दिता भी ता मसला हल चार पाँच दिन जो हो जाएगा, आ चार पाँच दिन अच्छे 10 दिन हो गए, 10 दिन कोई मसला हल नहीं आया, आ गए सानू इतने मजबूरन हो के बाजार में सड़क धरना देना पाया, सानू इस सड़क में धरना दे सानू इंसाफ चाहिए, रात दिन बंदे साढ़े बच्चे भैन भरा बीमार हो रहे हैं, जो सुनाई ना आएगी अभी कारपोरेशन दफ्तर में धरना देवे उठे इट ना इट बजा के आवेंगे। शर्मा जी मेरा नाम, वेखो ऐसा बतला आया है भी लोगों को सफाई लिए सड़क पर बहना पै गया, असी इन्हां लोकां चो कारण यह भी तीन महीने हो गए शहर च गंदगी, अपने साडे महल्ले च गंदगी पई दी है, डैमगंज बाजार दे विच लोकां ने दुकाना बंद करतियां ने अपनियां, भी इन्नी बो आंदी है, पानी बाजार दे विच खड़ा है, गंदा पानी सीवरेज का वो कई जम गई है, पहलो शिकायत जोन नंबर दो च ही गए सारे जेडे संबंधी साढ़े अफसर ने उन्होंने शिकायत की सफाई करो, पर इलाके वालों वेखो मजबूर हो के लोगों इतने बहना पै गया, सड़के सारे दुकानदार ने ये बाहरों कोई बंदा नहीं आया, सारे इलाका निवासी सारे दुकानदार कट्ठे ने भी लोग बीमार होते ने, जाना जान दिया लोगों के बच्चे हर एक घर च सारा परिवार अज बीमार पिया है, और गंदगी की सफाई नहीं हो सकती, मंग यो कर रहे लोगों सफाई दे दें, जे ना देंगे आप कट्ठे हो गए सारा अपना कारपोरेशन घेरा। मेरा नाम संजीव है जी, की कहना चाहते हैं अभी धरना लगाया भाजी? आप अज बड़े दुखी मन कहना पैन दिया, अज 3 महीने हो गए ने, मेरी उम्र 30 साल हो गई, मैं अपनी लाइफ के जी गंदगी नहीं कभी वेखी, 3 महीनों तो इतने इन्ना क बुरा हाल है, एक तो ना डक्का लगा, चलो जी एक दिन लगा दो दिन लगा अपने ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं यार, परेशानी आदि यह नहीं कोई गल, ब्लॉकेज हो जाती है, चलो मसला सरकार कर दया ने ठीक हो जाता, पर अच्छे 3 महीने तो हो गए ने, आम पार्टी के कई वर्कर आते हैं वीडियो बना के भाजी ता मसला सवेरे हल हो जाएगा, भाजी ता मसला शामी हल हो जाएगा, अज 3 महीने हो गए ने, 3 महीने कोई नहीं इतने वड़िया, अज हार के लोगों ने दुखी हो गए, सड़क के लोग आए हैं, अच्छे ये तो कहें ही
ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ 92 MLA? ਕਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਲੀ 'ਚ 20 ਘਰ ਨਾ, ਅਤੇ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 5 ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਡੈਮਗੰਜ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 72-70 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਨ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜੀਏ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।